रीवा सड़क हादसे में 3 की मौत, 10वीं कक्षा की परीक्षा देकर लौट रहे बाइक सवारों को अनियंत्रित ट्रेलर ने हाईवे में रौंदा, 2 बहनों समेत 1 भाई ने तोड़ा दम। रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत खटकरी स्थित नेशनल हाईवे 30 में एक अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 बहनों समेत 1 भाई की मौके पर मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद हाईवे में लाश पड़ी होने के कारण जाम लग गया। इधर हादसे की सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से चक्का जाम कर दिया है। हाईवे में बड़ी दुर्घटना की जानकारी मिलते ही शाहपुर पुलिस घटना स्थल के लिए रवाना हुई। वहीं SDOP सहित अन्य थानों का बल भी पहुंच गया। काफी समझाइश के बाद 2 बहन व बाइक चला रहे भाई के सबको PM के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दूसरी तरफ शाहपुर पुलिस ने आरोपी ट्रेलर को जब्त कर थाने में खड़ा कराया है। SDOP शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार की दोपहर 3 बजे 2 बहनों की परीक्षा दिलाकर भाई अपनी बाइक में सवार होकर घर लौट रहा था। तभी खटकरी चौक के पास हाईवे में ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक कुचल दिया। हादसे में 3 के परखच्चे उड़ गए। देखते ही देखते हाईवे में जाम लग गया। हालांकि परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा कार्रवाई शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ लंबा जाम लगा है जिसको बहाल कराया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि रीवा हनुमाना 4-लेन हादसे में मृतकों की शिनाख्त हो गई है। दावा है कि धर्मपुरा निवासी रानू अंसारी और इस्मा अंसारी राजनांदनी पब्लिक स्कूल देवरा में कक्षा 10वीं की छात्रा है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जा रही 10वीं बोर्ड परीक्षा का सेंटर हनुमाना था। ऐसे में शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पेपर था। परीक्षा खत्म होने के बाद भाई ताज अंसारी पुत्र आजम उल्ला के साथ बाइक में सवार होकर घर लौट रही थी, लेकिन जीवन का आखिरी इम्तिहान साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।